हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए सीरीज के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं 11th और 12th एनसीईआरटी के जितने भी साइंटिस्ट हैं, लगभग 100 साइंटिस्ट मिलेंगे आपको इस सीरीज में। तो साइंटिस्ट से बहुत बार और क्यों कहिएगा हर साल सवाल पूछा जाता है, बच्चों के लिए सबसे कंफ्यूजन की बात है। तो हम लोग एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी साइंटिस्ट सीरीज NSS। और एनसीईआरटी साइंटिस्ट सीरीज में सिर्फ हम साइंटिस्ट और उनके काम के बारे में बेसिकली बात करेंगे, ताकि हमें कभी उनका कब उन्होंने काम किया इसके बारे में बात करेंगे। तो सीक्वेंस वाइज आपको एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले साइंटिस्ट आ रहे हैं 11th एनसीईआरटी के द लिविंग वर्ल्ड में, आप पढ़ेंगे कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस साहब सबसे पहला काम करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फाउंडर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है ये हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में केवल बेसिक बात कि जितने भी नाम दिए जाएंगे प्लांट या एनिमल के, उनमें दो वर्ड होंगे, एक होगा जेनेरिक नेम जीनस और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज, दैट्स इट। दूसरा, इन्होंने ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन आगे चल के दिया। पहला किंगडम इन्होंने बनाया प्लांट का और दूसरा बनाया एनिमल्स का। सारे प्लांट्स को प्लांटी में और सारे एनिमेलिया को एनिमल्स को एनिमेलिया। बेसिकली इन्होंने एक और काम किया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स, इसीलिए इसे बोला जाता है सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। तो ये थे हमारे पहले साइंटिस्ट। दूसरे साइंटिस्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ, या आप कह लीजिए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसके आधार पर इन्होंने प्लांट्स को तो तीन ग्रुप में बांटा, ट्रीज श्रब्स हर्ब्स, और एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा, ऐसे एनिमल्स जो रेड ब्लड नहीं रखते हैं और ऐसे एनिमल्स जो रेड ब्लड रखते हैं। तो विद रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड, दो ग्रुप एनिमल्स का इन्होंने बनाया। अगले जो साइंटिस्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, तीसरे साइंटिस्ट 1969 में आर्यच विटेकर नाम है इनका। और आर्यच विटेकर साहब ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। और हम लोग ये जानते हैं कि वो फाइव किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, एनिमेलिया, ये पांच किंगडम इन्होंने क्लासिफाई किए और अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेड है। क्या है इसका आधार, क्या है इसका बेसिस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगले साइंटिस्ट, चौथे साइंटिस्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1892 में डिमिट्री इवानोवस्की, ये वायरस से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले वायरस नेम को दिया जिसका मतलब होता है वीनम, और वीनम का मतलब जहर या पॉइजनस व्यू, पहला काम इनका। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि वायरस को इन्होंने ऐसी छन्नी से पास किया जिससे बैक्टीरिया नहीं पास होते थे, मतलब वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था, मतलब बैक्टीरिया उससे पास नहीं होते थे, लेकिन वायरस को उस छन्नी में डाला तो वायरस से उससे पास आउट हो गए। इसका मतलब कि बैक्टीरिया की साइज बड़ी है इसलिए नहीं पास हो पा रहे थे, और वायरसेस की साइज बैक्टीरिया से छोटी होती है इसलिए वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाते हैं। तो इसीलिए दूसरा काम इनका रहा, वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया से साइज में हमेशा छोटे होते हैं, इन्होंने ये बताया। और तीसरा काम इन्होंने बताया, इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, बाद में पता चला वो वायरस है, कि एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज इन टोबैको, तंबाकू के प्लांट में मोज़ेक डिजीज कॉज करने वाला
माइक्रोब एज ए कॉजेटिव एजेंट इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो ये तीन काम किसके हो गए 1892 में दिमित्री इवानोवस की। और पांचवे नंबर के साइंटिस्ट हैं एमडब्ल्यू बीजरमैन। एमडब्ल्यू बीजरमैन के बारे में बात करते हैं और इनका टाइमिंग है 1898। कब की बात है 1898। और 1898 में इन्होंने एक ऐसा टोबैको का प्लांट जिसमें मोजैक डिजीज हुआ हो या वायरस का इंफेक्शन हो उससे एक्सट्रैक्ट को निकाला, फ्लूइड को निकाला और हेल्दी टोबैको के प्लांट में जब उसे इंट्रोड्यूस किया तो हेल्दी टोबैको का प्लांट भी उस इंफेक्टेड फ्लूइड से हमेशा इंफेक्ट हो जा रहा था। तो इन्होंने बताया एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंफेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इंफेक्शन इन हेल्दी टोबैको प्लांट। इसीलिए इन्होंने उस एक्सट्रैक्ट या फ्लूइड का एक नाम दिया और उसे बोला कंटाजियम वाइपम फ्लूइडम। कंटाजियम वाइपम फ्लूइडम बहुत बार सीरियसली ने पूछा हुआ है कंटाजियम वाइपम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो ये थे हमारे साइंटिस्ट सीरीज के पहले पांच साइंटिस्ट। पहले कैरोलस लिनियस, दूसरे एरिस्टोटल, तीसरे आर एच विटेकर, चौथे दिमित्री इवानोवस्की और पांचवें एमडब्ल्यू बीजरमैन। ओके, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात करेंगे अगला 6 नंबर के जो साइंटिस्ट